अस्सलाम वालेकुम, आज बात करते हैं सात ऐसे कुदरती तरीकों के बारे में जो आपको रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठने के मसले को ख़त्म कर देंगे। नकचूरिया एक ऐसा मसला है जिसमें आपको रात में नींद के वक्त पेशाब बार बार तंग करता है और जाग के यूरिन करना पड़ता है, जिसकी वजह से नींद में मसाइल पैदा हो जाते हैं और इसी की वजह से सेहत के मसाइल के साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी मुतासर होती है। और आज हम आपको पेशाब के इस मसले को ठीक करने के लिए सात ऐसे तरीके बताते हैं जो आप बिना किसी इजाफी कोशिश के खुद से करके इस मसले से जान छुड़ा सकते हैं, जिसके बाद नींद भी बेहतर हो जाएगी और ओवरऑल सेहत भी बेहतर हो जाएगी। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर वन, लिमिट फ्लूइड इनटेक बिफोर बेड टाइम। सबसे पहले नंबर पे, जिन लोगों को रात में पेशाब तंग करता है उन्हें चाहिए वो सोने से कुछ घंटे पहले किसी किस्म के फ्लूइड के इस्तेमाल को महदूद कर दें। माहिरीन के मुताबिक रात को सोने से दो से तीन घंटे पहले ऐसी चीज़ें ना पिएं जिनसे बार बार पेशाब आता है, जिस तरह चाय, कॉफ़ी या अल्कोहल वगैरह हैं। इन चीज़ों के पीने से पेशाब ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से रात को जाग के बार बार यूरिन करना पड़ता है। इसकी बजाय आप ऐसा कुछ भी दिन में शुरू में ज़्यादा इस्तेमाल करें और शाम में सिर्फ कुछ पानी के अलावा बाकी चीज़ें ना पिएं, ताकि पानी जिस्म में पूरा रहे। ये खासकर ऐसे लोगों को ज़्यादा फ़ायदा देता है जिनमें उम्र ज़्यादा होने के साथ होने वाली हार्मोन्स की तब्दीलियाँ होती हैं, जैसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन में तब्दीली की वजह से यूरिन ज़्यादा आता है। ये हार्मोन पेशाब को कंट्रोल करता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स का लेवल कम होने से रात को पेशाब ज़्यादा आता है, और अगर कोई बीमारी जैसे शुगर या दिल की बीमारियां हैं तो उनका प्रॉपर इलाज कराएं ताकि इस मसले को और ज़्यादा बेहतर किया जाए। नंबर टू, ट्राई डबल वॉइडिंग। दूसरे नंबर पे कुदरती तरीके से नकचूरिया को मैनेज करने के लिए आप डबल वॉइडिंग करें। ये एक सिंपल टेक्निक है जिसमें आप एक दफ़ा यूरिन करते हैं और उसके बाद चंद लम्हे इंतज़ार करके दोबारा से यूरिन कर लेते हैं। इस तरह करने से नकचूरिया या रात को पेशाब की तकलीफ़ में काफ़ी कमी आ जाती है। इस तरह करने से मसाने से यूरिन बिल्कुल निकल जाता है और फिर रात को पेशाब उतना ज़्यादा तंग नहीं करता। जब ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं होता तो कुछ घंटों बाद उस बाकी यूरिन की वजह से दोबारा से ब्लैडर में इरिटेशन पैदा होती है और फिर दोबारा यूरिन करने की ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन डबल वॉइडिंग की वजह से ये मसला कम से कम हो जाता है और फिर नींद में भी मसला नहीं होता। रिसर्च के मुताबिक इस तरह करने से ब्लैडर पे कंट्रोल सही से रहता है, खासकर ऐसे लोग जिनकी उम्र ज़्यादा होती है या प्रोस्टेट गदूद बढ़ा हुआ होता है या फिर पेशाब में इन्फेक्शन होता है, उनमें डबल वॉइडिंग की वजह से ब्लैडर पे कंट्रोल सही हो जाता है, नकचूरिया की अलामत बेहतर हो जाती है, नींद भी बेहतर हो जाती है। नंबर थ्री, टेक केयर योर डाइट। तीसरे नंबर पर अपनी खुराक का खास ख्याल रखें। कुछ ऐसे खाने और पीने की चीज़ें हैं जो ब्लैडर को इरिटेट करती हैं, जिससे यूरिनेशन में इजाफा हो जाता है, जिसके बाद रात को बार बार यूरिन करने की ज़रूरत महसूस होती है। मिसाल के तौर पे मसालेदार खाने हैं, एसिडिक फूड्स हैं जिस तरह ऑरेंजेस और टमाटर हैं, या फिर इनर्जी ड्रिंक्स और जूसेस में इस्तेमाल होने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और फ्लेवर्स हमारे ब्लैडर को इरिटेट कर देते हैं और नींद में मसाइल पैदा करते हैं। इस मसले को बेहतर करने के लिए आप जो कुछ भी खाएं उसे अपनी डायरी में लिखें और देखें कि किन खानों से आपको पेशाब के मसाइल ज़्यादा होते हैं, उन्हें अपनी खुराक में से निकाल दें। मिसाल के तौर पे शाम में कॉफ़ी, चाय वगैरह ना पिएं, क्योंकि ये डायबिटिक की तरह एक्ट करके पेशाब को बढ़ा देती हैं। इस तरह से ऐसे खाने की चीज़ें जिनमें पानी ज़्यादा होता है, जिस तरह तरबूज है या खीरा है, रात को खाने से यूरिन ज़्यादा हो सकता है। जबकि रिसर्च के मुताबिक ऐसी खुराक जिसमें सोजिश कम करने की सलाहियत होती है उनसे मसाने के मसाइल बेहतर हो जाते हैं। इसलिए अपनी खुराक में होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन, साथ में ताज़ा फल और सब्जियां इस मसले में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। मज़ीद एक ऐसी स्टडी भी है कि वज़न कम करने से ब्लैडर पे प्रेशर कम होता है, जिससे नकचूरिया की अलामत बेहतर हो जाती हैं। सोने से चंद घंटे पहले अपनी खुराक का खास ख्याल रख के आप पेशाब के इन मसाइल को कम कर सकते हैं। नंबर फोर, एलिवेट योर लेग्स बिफोर बेड टाइम। अपनी टांगों को अपने बाकी जिस्म से ऊपर रखने से नकचूरिया की अलामत को काफ़ी हद तक बेहतर किया जा सकता है, खासकर ऐसे लोगों में लेग एलिवेशन बहुत फ़ायदा देती है जिनके पांव या टांगों के हिस्से में फ्लूइड ज़्यादा जमा होता है, सूजन आई हुई होती है। ज़्यादा देर तक खड़े रहना या बैठे रहना टांगों में फ्लूइड्स को ज़्यादा कर देता है, और जैसे ही आप सोते हैं यही फ्लूइड खून में जाता है, जहाँ से ये किडनी में फिल्टर होकर यूरिन की मकदार को बढ़ा देता है
और बार बार यूरिन आता है। शाम को एक या दो घंटे इस तरह टांगों को बाकी जिस्म से ऊपर रखने से रात को बनने वाले यूरिन को किसी हद तक कम किया जा सकता है। ये ऐसे लोगों को भी फायदा देता है जिन्हें हार्ट फेलियर या टांगों में वीनस इनसफिशिएंसी का मसला होता है। रिसर्च के मुताबिक टांगों को ऊपर करने से इडीमा या स्वेलिंग में कमी आ जाती है। इसी तरह फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर करने से रात को बार बार पेशाब आना कम हो जाता है। जागना नहीं पड़ता, स्लीप क्वालिटी बेहतर हो जाती है। इस तरह करने से नॉक्टूरिया के अलावा डीप वेन थ्रोम्बोसिस और लेग क्रैम्प्स में भी कमी आ जाती है और ओवरऑल हेल्थ आपकी काफ़ी बेहतर हो जाती है। नंबर 5, चेक योर मेडिकेशंस। 5वें नंबर पे नॉक्टूरिया का अगर मसला रहता है तो जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं उन्हें लाजिम चेक करें। मिसाल के तौर पे अगर आप डायूरेटिक्स इस्तेमाल करते हैं या ऐसी दवाइयाँ जिनमें डायूरेटिक की तरह खूबियाँ होती हैं वो आपके यूरिन को बढ़ा देती हैं। ये आम तौर पे ब्लड प्रेशर और हार्ट फेलियर के मरीजों को प्रेस्क्राइब की जाती हैं। इनकी वजह से यूरिन ज़्यादा बनता है और नींद में मसाइल पैदा होते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेडिसिन के खाने से रात को पेशाब बढ़ जाता है तो एक दफ़ा अपने डॉक्टर से इसके बारे में लाजिम मशवरा करें। वो उसकी डोज, खाने का तरीका और वक्त को बदल के नॉक्टूरिया की अलामत को बेहतर कर सकता है। मिसाल के तौर पे डायूरेटिक को सुबह के टाइम पे इस्तेमाल करने से रात को बार बार आने वाला यूरिन कम हो जाता है। इसी तरह कुछ स्टेराइड्स और डिप्रेशन की मेडिसिन इस्तेमाल करने से नॉक्टूरिया की अलामत ज़्यादा हो सकती हैं। इसलिए जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में अपने डॉक्टर से लाजम मशवरा करें। नंबर 6, डू रेगुलर एक्सरसाइज। रोज़ाना रेगुलर वर्जिश करने से और फिजिकल एक्टिविटी होने की वजह से नॉक्टूरिया को मैनेज करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। एक्सरसाइज की वजह से जिस्म फ्लूइड्स को सही से प्रोसेस करता है जिससे खून का बहाव भी बेहतर होता है। इसी वजह से एक्सट्रीमिटीज में जमा फ्लूइड निकल जाता है। रोज़ाना के 15 से 20 मिनट की वर्जिश करने से काफ़ी फ़ायदा होता है। मजीद ये कि एक्टिव रहने से ब्लैडर मसल्स मजबूत हो जाते हैं और यूरिन पे कंट्रोल और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। इसमें वर्जिश की किस्म कीगल करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके अलावा इसकी वजह से वज़न कम करने में भी हेल्प मिलती है जिससे नॉक्टूरिया में फ़ायदा होता है। इसकी वजह से ना सिर्फ पेशाब के मसाइल बेहतर होते हैं बल्कि इससे ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाती है। नंबर 7, इम्प्रूव योर बेड टाइम रूटीन। 7वें और हमारी लिस्ट के आखिरी नंबर पे अपने सोने की रूटीन को बेहतर करें। कोशिश करें एक फिक्स टाइम पे सोएं, इससे नींद की क्वालिटी बेहतर हो जाती है जिससे नॉक्टूरिया की अलामत को बेहतर करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। रोज़ाना एक टाइम पे सोने और एक टाइम पे जागने से जिस्म का इंटरनल क्लॉक मेंटेन हो जाता है जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं। अपने आप को पुरसकून रखें, स्ट्रेस लेवल को कम रखें और हो सके तो वार्म बाथ लेके फिर सोएं। स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से स्लीप क्वालिटी ख़राब हो जाती है जिससे फिर यूरिन करने की ज़रूरत महसूस होती रहती है। साथ में सोने से पहले कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे दिमाग स्टिमुलेट हो जाता है, जैसे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें या फिर टीवी वगैरह ना देखें। इससे नींद में फिर मुश्किल होती है। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट की वजह से दिमाग में मेलाटोनिन का लेवल ख़राब होता है जिससे स्लीप क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इस तरह के टिप्स फॉलो करने से स्लीप क्वालिटी बेहतर हो जाती है और ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है और साथ में नॉक्टूरिया की अलामत कम हो जाती हैं। तो ये थे कुछ टिप्स जिनके ज़रिए आप नेचुरल तरीके से रात को बार बार पेशाब आने की तकलीफ़ को कम कर सकते हैं और अपनी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपनी फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।